दो मिनट में 8,000 रुपये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेशली मेरी बात करूँ तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल नहीं है, और मैंने ये करके भी दिखाया है। आपने टेलीग्राम पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट थे वो देख लिए होंगे, और आप साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने $100 बना लिए थे। अगर आप अपने कैपिटल का डबल भी कर लेते हैं न्यूज के टाइम, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कैसे किया आज की स्टूडियो में वो तो जानने वाले ही हैं। इवन मैं आपको वो जो ट्रिक बताया था कि न्यूज़ के टाइम पैसा कैसे कमाएं, उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, वो भी ध्यान से देख लेना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, पहले एक बार वो देख लेना, ताकि आपको आगे समझ में आए कि अपन किस पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि देखो मैंने कैसे $100 से $100 बनाए। यहाँ पे मैंने जो न्यूज़ वाले ट्रिक बताया था, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लिया था, 80x लॉन्ग किया था और टीपी कम रखा था, $100 का टीपी लेकर चला था, अगर ज़्यादा लेता तो ज़्यादा बनता। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 मिनट पहले मैंने लिमिट ऑर्डर वगैरह सेट कर लिए थे, और जैसे वहाँ पे प्राइसेस गई हिट हुआ और वो $100 का टीपी मैंने इंस्टेंट सेट किया, प्रॉफिट हो गया था मेरे को। मेरा यहाँ पे रिस्क ज़्यादा था, 80x बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे कट करना सही समझा, क्योंकि लिक्विड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर वो फटी लिक्विड हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क लेके चल सकते हो, ऐसे नहीं कि मेरी तरह 80x लो या 100x लो, कम रिस्क में भी एक बार ट्राई मार के देख लो शुरुआती दिनों में, फिर बाद में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात करें तो इंप्रूवमेंट सुन लो, देखो इस ट्रिक में क्या है, देखो यहाँ पे मार्केट के मूव हमेशा फिक्स नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी आपको ऐसी ट्रिक बताए जो सेम टू सेम चले, मतलब एक बार जो आपको बता दिया गया है ना वैसे चले, तो आप कभी भी ज़िंदगी में पैसा नहीं बना सकते हैं, ये भूल जाओ, कभी पैसा बन जाएगा आपका। वो क्यों, क्योंकि मार्केट कभी भी सेम नहीं चल सकते हैं। जैसे सपोज करो CPI डाटा में इस बार $1,000 का मूव आया, तो नेक्स्ट CPI डाटा आएगा उसमें जरूरी नहीं है कि वो $1,000 का ही मूव आएगा, वहाँ पे हो सकता है $800 का मूव आए, हो सकता है $600 का मूव आए। तो आप एक सेम ट्रिक को लेके चलेंगे, जैसे इस वाली में $500 का टीपी रखें, अगली वाली में $500 का टीपी रखेंगे तो हिट नहीं होंगे। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ये है कि आपको थोड़ा टीपी में एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा आपके खुद के अकॉर्डिंग। न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, किस तरीके से वो न्यूज़ इम्पैक्ट डाल सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीपी लेके चलना पड़ेगा। मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि कम टीपी लेके चलोगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको उस वीडियो में एक चीज़ ये भी क्लियर कर दिया था कि CPI का डाटा कम रिस्क ही रहता है, क्योंकि इसमें वन साइडेड मूव रहेगा, और फेड में ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि इसमें डबल साइडेड मूव रहते हैं, आपके दोनों ऐसे लेट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे पहले ही मना कर दिया था आपको कि फेड की न्यूज़ में आपको नहीं करना, इस ट्रिक से CPI डाटा में करना है। अब नेक्स्ट मंथ जब CPI डाटा आएगा तो आप रिस्क लेके देख सकते हैं, वन साइडेड मूव रहता है CPI डाटा में, तो आपको प्रॉफिट भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीपी की बात है, मस्ट से मस्ट, उस मैंने ट्रिक में ये बताया था $300 का ऊपर का लिमिट ऑर्डर, $300 का नीचे का लिमिट ऑर्डर सेल का, और दोनों में $500 का टीपी सेट करके रखना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप $500 का टीपी लेके ही चले, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस आपको रास्ता बता सकता हूँ कि इस तरीके से आप चल सकते हैं। चलना तो आपको पड़ेगा, खुद को भी करना पड़ेगा सारी चीज़ें। पिक्स 500 का लेके चलने की इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं हो 500 का टीपी हिट कराएं, तो यहाँ पे आप कम टीपी लेके चलोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे मार्केट सेम नहीं चल सकते हैं, आप लिख लीजिए, कोई भी हो, मैं क्या कोई भी इंसान आपको ये क्लियर नहीं बता सकता कि नेक्स्ट CPI डाटा में बिटकॉइन का $1,000 का मूव आएगा या इतना पिक्स मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अपन सारा कैलकुलेशन चल रहा है ना, तो टीपी पिक्स 500 का कैसे हो सकता है। तो ये एक चीज़ है, आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे भाइयों के यही मिस रहते हैं कि आपने तो ये बताया था ऐसा होना चाहिए, तो भैया थोड़ा बहुत तो आप भी दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे ना। मैंने तो यहाँ पे $500 का टीपी सेट नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा यहाँ पे रिस्क तो बहुत ज़्यादा हेवी था, तो मैंने $100 में निकलना ही क्यों चीज़ समझा। मैं तो ट्रिक के अकॉर्डिंग मी सोचता ना कि $500 ही लगाऊँ, तो ट्रिक का मतलब यह है कि मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि ऐसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, और मैंने बना के भी दिखाया है। लेकिन जरूरी नहीं होता जो जो पॉइंट वहाँ पे है वैसा ही होए, कि मतलब आप $300 का लिमिट ऑर्डर लगाए, आप अपने अकॉर्डिंग $200 का भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ का इम्पैक्ट किस तरीके का हो सकते हैं, किस साइड जाने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो देख के आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरीके का रोड मैप लेके चलना कि ये इसी तरीके से सारी चीज़ फॉलो होनी चाहिए, तो इस तरीके की सोच रखेंगे ना आप कभी पैसा नहीं बना सकते हैं, कोई सी ट्रिक ले आओ पैसा नहीं बना पाओगे। तो थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लेके चलिए, यही इंप्रूवमेंट है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करो कोई सी भी न्यूज़ में, तो यहाँ पे आपको टीपी का एडजस्टमेंट तो करके चलना ही पड़ेगा। और मैं तो आपसे ये रिकमेंड करता हूँ कि आप CPI डाटा में ही करना, क्योंकि CPI डाटा में वन साइडेड मूव रहता है,
और यहाँ फेड की न्यूज़ में इनमें मत करा कीजिए। और अगर कोई बड़ी न्यूज़ होगी, कोई तगड़ी जिसमें आप कर सकते हैं, तो मैं पहले टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको कि इस वाली न्यूज़ में आप ये ट्रिक से पैसे बना सकते हैं। तो टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन करके रखना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे मैं अपडेट दे दूंगा। लेकिन यहाँ बस यही बात है इस ट्रिक को लेकर, ये ट्रिक क्या कोई सी भी ट्रिक हो, थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा भैया। तो यही बताना था। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किस पे बातें हो रही है, तो वो वाला वीडियो ज़रूर से देखना, ताकि आपको समझ में तो आए एटलीस्ट कि किस चीज़ पे बातें होने लग रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दो मिनट में क्या, एक मिनट में भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अपना टारगेट ये नहीं होता कि मैं एक मिनट में बनाऊँ या पाँच मिनट में बनाऊँ, बस ये होता है कि अगर न्यूज़ के टाइम थोड़ा बहुत भी पैसा बन जाए, थोड़ा थोड़ा भी बनाओगे, तो वो भी बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं कि जो लगा रहे हैं उसका डबल करके लाएं, कुछ भी बनेगा स्टार्टिंग में कम रिस्क से चलोगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो धीरे धीरे आप रिस्क लेके ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि पहले तो ट्राई करके देख रहे नहीं हैं, डायरेक्ट मार्केट में कूद पड़ रहे हैं, फिर पता लगा कि जो आप लगा रहे हैं वो भी चला गया। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और सब चीज़ें सही से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, और वो भी तगड़ा होगा, क्योंकि न्यूज़ के टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहती है। और आपने कल देखा ही होगा, परसों देखा ही होगा, तो इतना तो आइडिया लग ही गया होगा ना। तो आई होप मैं आपको जो भी बताया हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।